जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात के 10:12 हुए हैं, 10:12 PM, फ्राइडे 5 जुलाई, फ्राइडे है, अभी 5 जुलाई है और 10:12 हुए रात के। और पीजे आज बहुत खुश है दोस्तों, बहुत खुश है। तो सबसे पहले तो कल रात को आप लोग को दो वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। एक मैंने ये टेक्निकल बनाया था ऐसा लिख के, जो काफ़ी मैं खुद अपने चेहरे के साथ आया था, काफ़ी बड़ा वीडियो था। और एक एस्ट्रोलॉजिकल बनाया था, एक ये बनाया था कल रात को कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यू फॉर 5 जुलाई, ये रात को बनाया था 10 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास जो भी है। और एक बनाया था मैंने ये एस्ट्रोलॉजिकल। दोनों में मैंने क्या बोला कि कल बजट है, बहुत सारी बाजार को एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। और मुझे लगता है कि कल जैसे ही थोड़ा बहुत उछाल आएगा, उसमें शॉर्ट करेगा और बाज़ार अच्छा खासा गिरेगा। ये मैंने साफ शब्दों में, शायद ही पूरा यूट्यूब में मैं अकेला था जो इतने क्लियर कट विज़न दे रहा था कल। उसके बाद आज सुबह, चलिए पहले इस पे भी नहीं जाता, आज सुबह भी आप देखिए मैंने क्या कॉल दिया था। आज सुबह का कहाँ गया भाई, ये तो कल के है ना। आज सुबह ये देखिए, आप लोग को ये कॉल भी दिखाया था। जय भोलेनाथ दोस्तों, आपको ये दिखा देता हूँ मैंने क्या दिया आज मेरे ग्रुप में, वो दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, अभी खुल रहा है वो फेसबुक का। सबसे पहले जैसा कल खुल गया, सेम सेम खुल गया, वो टाइम मेरा आज बारिश यहाँ बहुत जोरदार हो रही है नेट में। ये देखिए, ये आज का पोस्टर देख लीजिए आप, 53 मिनट पहले डाला हुआ है, 9:27 पे सेल निफ्टी फ्यूचर नाउ 11,993 पे। कितना स्टॉप लॉस है, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया हूं, कितने का। और इसका रीजन मैं बता दूंगा आप लोगों को शाम के वीडियो में, क्योंकि 0.95 का हाई था, इसलिए मुझे लगा कि ये शायद नहीं टूटेगा, तो छोटा सा स्टॉप लॉस दिया 6 पॉइंट का। और 11,900 का टारगेट दिया हूँ, स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का, सिर्फ ये कॉल दिया हूँ और कुछ नहीं दिया आज। और अभी देखिए दोस्तों, देखिए 11,900 का टारगेट और बिलो, सुबह 93 पे सेल करा के क्या स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लिखने की हिम्मत देखिए, 9,99, ये 9:27 पे दिया था और आप लोग को वीडियो भी डाल दिया था। ये एक प्रमाण कि आज गिरेगा, मुझे कॉन्फिडेंस था, हाईली कॉन्फिडेंट था। अब दूसरा प्रमाण आपको देता हूँ, इस लेवल का एनालिसिस अगर कोई यूट्यूबर कर दे तो उसके नतमस्तक प्रमोजन हो जाएगा। अभी आज ये कल रात का वीडियो, इसका भी टाइम पता चल जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज 4 जुलाई है और अभी टाइम मेरे ख्याल में 9:40 ऐसा कुछ हुआ है, लेट अस चेक, 9:45 PM। चलिए अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए आप, छोड़िए इसको। तो एक ब्रेकडाउन है, अभी वो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो ऐसा मुझे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, कल अगर तेजी आती भी है सुबह, इन एनी केस That will be a shorting opportunity as per me, जो मैं अभी चार्ट देखा था 10 मिनट पहले। ये मेरा कुछ अंदर दिल की भावना नहीं है, ये जो चार्ट देख के मैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा चांसेस कल मिलेगा कि एक अपसाइड आएगा, उधर शॉर्ट करना चाहिए। दूसरा कुछ मैं देखा हूँ, सारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ओवरबॉट के आसपास है। ये आपने सुन लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला इसमें कि कल जैसे ही खुलेगा, जो भी तेज खुलेगा वहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये टेक्निकल, इसके बाद बहुत बड़ा वीडियो तो मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसमें मैंने कारण भी काफ़ी समझाए हैं। और सुबह भी मैंने 0.95 के कारण आज शॉर्ट दिया था, सॉरी। अब वो एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो भी था कल, इसके अलावा एक और था ना, ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एस्ट्रो व्यू, ठीक है, ये वाला एक ये था टेक्निकल का कल का रात का। और ये इसको भी सुनिए दोस्तों। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। द
10:24 हुई है 4 जुलाई 2019 रात के 10:24। ये वीडियो मैं एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के लिए कल के लिए बना रहा हूँ, टेक्निकल का तो वीडियो भी अपलोड हो रहा है आप लोग के लिए, बन चुका है, अपलोड हो रहा है, अपलोड होते होते भी आधे घंटे लग जाएगा क्योंकि वीडियो बड़ा भी है और मैं तो लाइव तो आता नहीं हूँ, पहले उसको रिकॉर्ड करता हूँ फिर अपलोड करता हूँ, तो अपलोड हो रहा है वो। ये देखिए आपके सामने ही हो रहा है, वो दिखा देता हूँ, ये देखिए निफ्टी अभी तक 10% हुआ अपलोड। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी कल के लिए क्योंकि कल स्पेशल डे है तो उसका एक अलग से बना रहा हूँ। तो कल देखिए 9:23 AM पे 5 जुलाई फ्राइडे को सिंह लगन की कुंडली रहती है और लगन का मालिक सूर्य लाभ भाव में राहु और शुक्र के साथ है, तो यहाँ सूर्य ग्रहण योग लगा हुआ है लाभ भाव में, लेकिन और सूर्य शनि का आपस में एक दूसरे को देख रहे सूर्य शनि, ये भी खराब योग है। प्लस आप देखिए चंद्रमा खुद की राशि में जरूर है, कर्क खुद की राशि यानी कि कर्क राशि, फोर मतलब कर्क या कैंसर, लेकिन मंगल के साथ और मंगल और बुध के साथ, और मंगल और बुध में आपस में दुश्मनी है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग तो ये शुभ संकेत है, यानी कि बाजार एक बार उछलेगा जरूर कर्क। देखिए सुनिए इसको, नौवी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की नौवीं दृष्टि हालांकि मंगल और चंद्रमा पे पड़ रही है तो ये शुभ संकेत है, यानी कि बाजार एक बार उछलेगा जरूर कर, उछलेगा जरूर, क्योंकि गुरु की दृष्टि सारे पाप को काट देती है, गुरु केंद्र में बैठा हुआ वो भी सुख भाव में, वो भी मंगल की राशि में, तो गुरु की दृष्टि नीच के मंगल को भी थोड़ा कंट्रोल में रखेगी, लेकिन ये 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्र मंगल और बुध का, 12वां भाव जो होता है 12th हाउस इज नॉन फॉर लॉस एक्सपेंसेस, मतलब लॉसेस एक्सपेंसेस और ये आपको जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी के मामले और आइसोलेशन वगैरह वगैरह, और विदेश यात्रा या विदेश भाव, इसको 12वां भाव को विदेश भाव बोलते हैं। तो कल कोई बाहर से विदेश से हमारे को आपको उसका ताना वाना बुन जाएगा मुझे लगता है, तो एक ये काम करेगा, लेकिन चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग अपने आप काम करेगा तो एक बार बाजार को खींचेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है अपनी नौवीं दृष्टि, क्योंकि गुरु को पावर दिया गया 5, 7, 9 अपने से पांचवा डायरेक्ट देखने का, अपने से सातवां और अपने से नौवां, तो अपने से पांचवा कहाँ देख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देख रहा है, सातवां यहाँ देख रहा है और नौवां यहाँ देख रहा है, यहाँ चंद्रमा को गुरु डायरेक्टली देख रहा और मंगल को भी देख रहा है और बुध को भी देख रहा है, और बुध और मंगल में दुश्मनी जैसी होती है, दोस्ती तो नहीं होती है लेकिन दुश्मनी भी नहीं, लेकिन आपस में मन मुटाव, चंद्र बुध में लफड़ा और चंद्र मंगल महालक्ष्मी, तो इकट्ठा मीटर। प्लस चंद्रमा जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में, किसमें अश्लेषा नक्षत्र है और ये बुध का नक्षत्र है, और ये अश्लेषा का सिंबल होता है स्नेक, कॉइल्ड स्नेक, कॉइल्ड कॉइल जैसा, तो ये कल बाजार में आपको कॉइल स्नेक की तरह घुमाएगा, अपने जाल में फंसाएगा कॉइल बना के, तो यानी कि एक बार तेजी का आलम दिखाएगा और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और हमको अपने जाल में फंसा के फिर गिरेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। तो इसको लंबा चौड़ा नहीं करता हूं, सिंपल आपको बता दिया, तो बाजार एक बार जरूर तेज होगा लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूं। देख लिया, सुन लिया दोस्तों, इतना क्लियर कट मैंने कल बोला कि बाजार एक बार तेज जरूर होगा लेकिन वो शॉर्ट करने के लिए होगा, और सांप की तरह कॉइल जैसे कॉइल, क्योंकि जो कल आज नक्षत्र था वो अश्लेषा नक्षत्र था, कॉइल स्नेक बोलते हैं उसको, तो उसने कॉइल बनाया, हमको फंसाया और बुरी तरह डस लिया। तो दोस्तों इस तरह का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकली भी दिया मैंने कल, तो इसको छोड़िए अब आ जाते हैं, अब क्या करना है मेरे भाई, आज हुआ क्या, आगे करना क्या, असली बात तो इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, और इस वीडियो में आप चाहो तो 2000 लाइक दे देना। दोस्तों मुझे 2000 लाइक नहीं मिला आज तक, 1600 लाइक तक मिले हैं बट 1600 से मैं खुश नहीं हूँ,
मुझे 2000 लाइक कम से कम चाहिएगा इस वीडियो में, वरना कल तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब मंडे को फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक दिन का फिर मैं गैप मारूंगा अगर इस वीडियो में 2000 लाइक आप लोगों ने नहीं दिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने सारे दोस्तों को दिखाइएगा और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे जल्दी से जल्दी 20,000 के आंकड़े पर पहुँचाइए। 10,000 क्रॉस हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब 20,000 की लालच आ गई है मन में, और बस आप लोग का प्यार रहेगा तभी मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा। तो अब आज का वीडियो बता देता हूँ आपको क्या क्या, पहले 2 मिनट आपको ट्रेनिंग का बताता हूँ। 14 तारीख को सूरत में ट्रेनिंग है, संडे को, उसमें डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, मतलब जेंट्स के लिए 20,000 और लेडीज़ के लिए 15,000। नॉर्मली मेरी फीस रहती है जेंट्स के लिए 25, लेडीज़ के लिए 20, लेकिन सूरत वाली में जेंट्स के लिए 20 और लेडीज़ के लिए 15, 14 तारीख को संडे को। और उसके बाद 14 जुलाई, उसके बाद 20 तारीख को मुंबई में है, उसमें जेंट्स के लिए 25,000, लेडीज़ के लिए 20,000। उसके बाद 27 जुलाई को दिल्ली में है, 27 जुलाई को दिल्ली में जेंट्स के लिए 25, लेडीज़ के लिए 20। तो जिसको इच्छा वो मुझे कांटेक्ट करके ज्वाइन करिए। और उसके बाद 11 अगस्त को सीधा कहाँ पे है, बेंगलोर में, 11 अगस्त संडे, उसमें भी 25,000 और 20,000। और इसके बीच में मैं 11 तारीख को जयपुर में रहूँगा, मैं किसी शादी में अटेंड करने जा रहा हूँ राजस्थान, तो मैं 10 को शादी अटेंड करके जयपुर में ही रहूँगा। तो 11 को मैं 4 लोगों को खाली क्लास दूंगा मेरे होटल रूम में ही, कोई सेमिनार जैसा नहीं होगा, सिर्फ मेरे रूम में मैं, और सिर्फ जेंट्स ही अलाउड रहेंगे क्योंकि रूम में मैं लेडीज़ को नहीं बुलाऊंगा। तो कोई आ सकता है तो आ जाइएगा, जिसको इच्छा है। जयपुर में सिर्फ 4 लोगों को मैं क्लास दूंगा अकेला, तो उसके भी 25,000 रुपये। तो एनीवे दोस्तों, ये हो गया, अब आ जाइए, ये देखते हैं अपन चार्ट्स, निफ्टी का देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखिए, ऐसा भारी लाल कैंडल बनाया जैसे लगता है कि पूरा धो डाला, क्या बोलते हैं, पूरा धो डाला, इतनी बड़ी लाल कैंडल, इसको टेक्निकल भाषा में मारू बोजो बोलते हैं, मारू बोजो, क्या बोलते हैं, मारू बोजो जनरली एक कैंडल होती है जिसमें शेडो नहीं के बराबर होती है, शेडो होती नहीं है या शेडो नहीं के बराबर होती है, वो सिर्फ एक कैंडल होती है, पूरी की पूरी बॉडी ही रहती है उसमें, शेडो नहीं रहती। इसमें भी देखिए शेडो हल्की सी है, जो ओपनिंग का आज थोड़ा सुबह का, क्योंकि हाई ओपनिंग 64 का हुआ, हाई 81 का, बस इतनी सी शेडो बनी है, बाकी तो कैंडल सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है। ये ग्रीन कैंडल बने तो भी, मतलब बुलिश कैंडल बने तो भी इसको मारू बुजु बोलते हैं, और बियर इसको भी, ऐसी वाली को। तो और इसमें देखिए इसने क्या किया, एक ही दिन में 981 जो इस वीक का नया हाई भी बनाया, इस वीक का आज नया हाई भी बनाया, और इस वीक का इसने लो भी बना दिया। एक ही दिन की कैंडल में इसने इस वीक का हाई और लो दोनों बना दिया। कैसे, देखिए मंडे को हमारा हाई था 884, लो था 830, ठीक है, मंडे को। ट्यूसडे को हाई था 917, लो था 814, ठीक है। वेडनेसडे को हाई था 945, लो था 887। थर्सडे को हाई था 969, लो था 923, और आज हाई था 981 और लो था 797। यानी पूरे वीक का हाई भी आज ही बना और लो भी आज ही बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है ये, और इसको आप एनगल्फिंग भी बोल सकते हो, बियर इज एनगल्फिंग। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बताऊँ, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक से फुल तेज़ी है मार्केट में, फुल तेज़ी। अब आपको सरप्राइज लगेगा, टेक्निकली ऐसा बोल रहा है, उसके बाद ऐसा बोल रहा है इंसान, या तो पगला गया क्या, पगलाया नहीं बोस, मैं हर चीज़ बिना लॉजिक के कभी बोलता नहीं हूँ, यह सबको पता है, तो लॉजिक है, मैं बताऊँगा अभी, वीडियो देखिए आराम से। तो मैं फुल तेजी में हूँ नेक्स्ट वीक से, और मैं बोलता हूँ ये हाई जो 981 का, वो नेक्स्ट वीक में टूट जाएगा, जबकि आज हम क्लोज किए 811, कितना क्लोज किया 811,
और लो बनाया है 797 का, और मैं बोल रहा हूँ 981 का हाई नेक्स्ट वीक में टूटेगा ही टूटेगा, ऐसा वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके कारण मैं लॉजिक दूंगा, भगवान तो नहीं हूँ लेकिन बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहला मेरा एक नियम सुन लीजिए, अगर कभी भी वीक का हाई फ्राइडे को बनेगा, याद रखिएगा, आज मैं आपको सिखाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जो किसी के पास नहीं है, दिस इज़ पीजे, ये पीजे ही निकालता है और पीजे ही बताता है। अगर पूरे वीक का हाई अगर फ्राइडे को बनेगा तो वो नेक्स्ट वीक टूटेगा, चाहे मंडे को टूटो चाहे नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को टूटो, बट वो टूटता जरूर है, क्या समझे। अगर वीक का हाई मंडे को फ्राइडे को बनता है तो याद रखिएगा टूटता जरूर है, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली क्या वीक का हाई भी बन गया और लो भी बन गया, तो ये बात उस पर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि साथ में उसने वीक का लो भी बन गया, तो ऐसा भी बोल सकते हैं वीक का लो भी टूटना चाहिए, है ना, तो दोनों टूटना चाहिए। हो सकता है नीचे खुल के हम कल मंडे को तेज हों, है ना, पॉसिबल है, लेकिन वीक का हाई जरूर टूटेगा, ये मान लीजिए पहली बात, ये मेरा फॉर्मूला है। दूसरा, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे तकलीफ आ रही है जरूर, ये ट्रेंड लाइन में भी ये दिखा रहा है, कैंडल ने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन क्या ये टूट गई। मैंने आप लोगों को कितने वीडियो में समझाया, जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे दो क्लोजिंग नहीं आ जाए तब तक आपको कभी भी हार नहीं मानना, तब तक वो ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है। तो ये एक क्लोजिंग अगर कल और 800 के नीचे आ जाए या 802 के नीचे आ जाए तो मैं हार मान लूँगा, मंडे को अगर 802 के नीचे मार्केट क्लोज कर दे तो मैं भी बोलूँगा कि मंदी आ गई। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है मेरे में, नहीं आएगी 802 के नीचे मंडे को क्लोजिंग, चलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, मंडे को देखते हैं, भगवान भोलेनाथ का दिन है मेरे, भोलेनाथ क्या चाहते हो देखेंगे अपन। तो पहली बात, एक क्लोजिंग आई लेकिन मंडे को तो मुझे लगता है कहीं मंडे को ही नहीं ये हाई नहीं तोड़ दे जो आज वाला आई है, ऐसा मेरा अंतरात्मा बोल रही है, ये कोई टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ। तो एनीवे ये छोड़िए, पहली बात टेक्निकली ये आज ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो ये वीक पॉइंट है, मगर कल अगर वापस इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे देन इट इज़ वीक, तो नहीं करेगा, ये मुझे बहुत ही दिल से लगता है, लेकिन दिल से लगने से थोड़ी मार्केट चलता है भाई, मार्केट तो फंडामेंटल्स टेक्निकल्स एंड सेंटिमेंटल से चलता है, तीन चीज़ से मार्केट चलता है, फंडामेंटल टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। फंडामेंटल आप लोग जानते ही हो, बैलेंस शीट वगैरह कैसे अच्छा है कि नहीं कंपनी वो, और टेक्निकल जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेवल्स निकालना, कहाँ एंट्री करना, कहाँ एग्जिट करना, कहाँ चुप बैठना, और सेंटिमेंटल तो न्यूज़ आती है भैया, न्यूज़ तो सबको बहा ले जाती है, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो। सो व्हेन न्यूज़ प्लेस, व्हेन सेंटिमेंटल प्लेस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स बिकम्स ऑडियंस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो दोस्तों ये अच्छा, ये मारो बुजो बना, लेकिन अब मैं जाता हूँ वीकली में, ठीक है, इसकी वीकली चार्ट में, निफ्टी का वीकली चार्ट, ये डेली चार्ट है, डेली वीकली चार्ट में देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। लेकिन वीकली चार्ट में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछली वीक की जो क्लोजिंग थी वो 788 थी, कितनी थी, 788 वाज द लास्ट वीक क्लोजिंग, पिछला वीक की, और इस वीक की इतना ऊपर से इतना नीचे गिरने के बावजूद वो 811 का क्लोज किया, यानी कि हायर क्लोजिंग दिया बना। देखिए रेड कैंडल क्यों बना, क्योंकि ओपन से, जब भी अगर ओपन से क्लोज कम होता है तो कैंडल रेड ही बनेगी, चाहे वो पिछले दिन से ऊपर ही बंद हुआ हो, समझ में। लेकिन आज की ओपनिंग से अगर आज की क्लोजिंग कम है तो कैंडल रेड बनेगी, आपको बताता हूँ, सिखा देता हूँ ये भी चीज़, भले ही वो पिछले दिन से ऊपर भी हो। तो पिछले वीक की क्लोजिंग 788 थी, बहुत ध्यान से देखिए, तो उसके हम काफ़ी ऊपर बंद हुए 811, और उसके पिछले वीक की क्लोजिंग थी 724, उससे भी ऊपर बंद हुए, यानी दो वीक की क्लोजिंग से इंस्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज फॉल टुडे ऑन फ्राइडे वी हैव मैनेज टू क्लोज ऑन वीकली बेसिस अबव लास्ट टू वीक्स क्लोजिंग, मतलब पिछले दो हफ्ते की क्लोजिंग से हम ऊपर ही क्लोज हुए आज।
तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर ये आज 788 के नीचे बंद करता तो मैं बोलता मंदी करना स्टार्ट कर दो, लेकिन नहीं। दूसरा, ये इन्वर्टेड एमर बना है और ये देखिए ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इधर से डाउन ट्रेंड आ रहा है वीकली चार्ट में, ये डाउन ट्रेंड। और जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है इन्वर्टेड, तो इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल। आपको बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, शूटिंग स्टार बोलेंगे बहुत लोग। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एक ही होता है, आपको सिखा देता हूँ क्या होता है। चलिए आपके सामने दो मिनट आपको टेक्निकल भी समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं मैं कुछ, इसको बोलते हैं दोस्तों हैमर, इसको क्या बोलते हैं हैमर, हैमर यानी कि हथौड़ा, ठीक है। टेक्निकल भाषा में इस कैंडलस्टिक को हैमर बोलते हैं, इसकी जो शेडो होती है ये शेडो, इसको शेडो बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं, वीक भी बोलते हैं, बहुत लोग वीक बोलते हैं। तो इस ये जो कैंडल एक कैंडल बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं, जो कैंडल बनती है ना इतनी बड़ी, इसको बॉडी बोलते हैं। इस बॉडी की डबल साइज होनी चाहिए ये वीक की, तो है इसकी, तो ये हैमर है। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए अपसाइड डाउन, तो उस वो क्या बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसी को उल्टा कर दे यानी कि अपसाइड डाउन, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, इसको क्या बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, या फिर बहुत लोग इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो लेकिन क्या डिफरेंस होता है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में, मैं बताता हूं। शूटिंग स्टार इज ए रिवर्सल पैटर्न, बियरिश रिवर्सल पैटर्न, वेयर इज इन्वर्टेड हैमर इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न। सुनिए क्यों शूटिंग स्टार बनना चाहिए, अप ट्रेंड में अगर बनता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, ऐसा वाला पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग स्टार। लेकिन ऐसा वाला पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड हैमर। तो अभी देखिए पिछले चार हफ्तों से निफ्टी डाउन जा रही है, देखिए ये सिग्नल क्या दे रहा है, डाउन जा रहा है, और ये इन्वर्टेड हैमर अभी बना है तो ये सिग्नल दे रहा है कि अब से वापस रिवर्सल बुलिश होने वाला है। ये मेरी स्टडी है भाई, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ। आज तक जिंदगी में कोई टेक्निकल क्लास किया नहीं, ना कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लास किया, सब कुछ अपने दम पे सीखा हूँ। जिंदगी में एक क्लास नहीं किया आज तक कोई, और 32 साल से जुड़ा हूँ मार्केट से, 16 साल से खुद टेक्निकल कर रहा हूँ अपने दम पे, और एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको, ये इन्वर्टेड हैमर है, नॉट ए शूटिंग स्टार, और ये बुलिश की जगह, बियरिश की जगह बुलिश का काम करेगा, वो आपको मंडे वाला दिन बता देगा। तो ये मेरा एक रीज़न है, और इसमें एक खास बात क्या है कि 788 पिछले वीक की क्लोजिंग थी, उससे हम ऊपर क्लोज किए 811, उसके पिछले वीक की क्लोजिंग थी 724, उससे भी काफ़ी ऊपर क्लोज किया, और उसके पिछले वीक की भी क्लोजिंग 823, बस इसको हम तोड़ नहीं पाए। तो दो वीक, पिछले दो हफ्ते से तो हम ऊपर ही क्लोज किए इंस्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज डाउन मूव टूडे। तो ये बस पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा। अब मेरा टारगेट भी आपको बता दूँ कहाँ जाएगा। पहला टारगेट है मेरा 12200, कितना जुलाई सीरीज का मेरा पहला टारगेट अब 12200 है, और आपको अब मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ इस सीरीज के लिए पूरा। एनी क्लोजिंग अबव 788 पहला स्टॉप लॉस नॉर्मली काट लीजिए माल, एनी क्लोजिंग बिलो 788, 11788 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो आप माल काटिए, और 11750 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप शॉर्ट में भी बैठ जाइए। क्या बोल रहा हूँ मैं, 11788 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप लॉन्ग्स को काट लीजिए, और 11750 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो आप शॉर्ट में भी बैठ जाइए। लेकिन दोनों नहीं आएगी, ऐसा प्रमोद जैन बोलता है, जय जिनेंद्र। और मैं बोलता हूँ पहला 12200 आएगा, और उसके बाद अगर 12200 के ऊपर वो क्लोजिंग करने में सक्षम होता है अच्छे खासे, तो 12500 भी इसी सीरीज में आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया निफ्टी। अब आए थे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखिए ये डेली कैंडल, डेली प्राइस है, डेली चार्ट है, इसमें एक डोजी टाइप पैटर्न बना है, देखिए इट्स अ काइंड ऑफ डोजी। तो क्यों डोजी, क्योंकि डोजी एक ऐसा कैंडल होता है
इसको बोलते हैं नो डिसीजन जोन। डोजी जब भी बनता है इसका मतलब नाइदर बायर कुड वॉन नॉर सेलर कुड वॉन ड्यूरिंग द डे। क्यों? देखिए आज का ओपनिंग कितना था, 523। आज का हाई बना 660 का, लो बना 323। देखिए 523 और 323 दोनों में 200 का डिफरेंस है। और ओपन से जो हाई है, ओपन से जो हाई बना उसमें कितना डिफरेंस है, ओपन से जो हाई बना उसमें कितना डिफरेंस है, 523 माइनस 660 कितना होता है। तो ओपन और क्लोज लगभग सेम रहना चाहिए, तो सेम नहीं है ये, 523 की ओपनिंग है और 475 की क्लोजिंग है, तो डिफरेंस है। ये डोजी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कैंडल बनी है। डोजी में कैंडल बनती नहीं है, खाली एक लकीर खींची जाती है बीच में, मतलब जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम हो और अपर वीक और लोअर वीक की भी साइज लगभग सेम हो, दैट इज़ ए परफेक्ट डोजी। तो ये डोजी है भी और नहीं भी, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं इसको क्योंकि छोटी सी कैंडल बनी है इसमें, क्योंकि ओपन और क्लोज में डिफरेंस है। तो अब क्लोज से लो को घटाइए, कितना पॉइंट गया, क्लोज से आज के क्लोज से लो को घटाओगे तो कितना पॉइंट हुआ, 475 से 323, तो लगभग 150 पॉइंट, ठीक है। और ओपन से भी अगर आप हाई हाई को ओपन से घटाओ तो ये भी लगभग 140 पॉइंट। तो देखिए कुछ, यानी कि आज बैंक निफ्टी में ना सेलर जीते ना बायर जीते, अनडिसाइसिव जोन बोलते हैं इसको, अनडिसाइसिव कैंडल नाइदर बायर, क्योंकि एक बार बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए बैंक निफ्टी को 660 तक, फिर सेलर नीचे लेके आए 323, लेकिन क्लोज हुआ जहाँ ओपन हुआ, क्योंकि ओपन हुआ था 523, क्लोज भी लगभग उसके नज़दीक 475 पे हुआ, तो किसी की जीत नहीं हुई, तो ये नो डिसीजन जोन पे रह गया आज। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है वो देखिए आप, पैटर्न क्लियर कट अभी तक बुलिश है, बहुत अच्छा बुलिश है। ये तो तब मंदा होगा जिस दिन ये 31030 के नीचे क्लोज कर दे, कितना 31030 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करे तब आप इसको लॉन्ग्स काटिए बैंक निफ्टी का, वरना लॉन्ग्स मत काटिए। पैटर्न जिंदा है दोस्तों, बत्तीस पांच, तो 500 तो बहुत जल्दी आने वाला है इसी सीरीज में, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, 32500 बहुत जल्दी आने वाला है इसी सीरीज में। और बैंक निफ्टी का गिरावट अगर परफेक्टली देखना तो आपको, जब तक ये 31020 इस लेवल को नहीं तोड़े तब तक कोई टेंशन नहीं है, और 32500 बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए या 10 दिन के अंदर आ जाए। और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए पिछले वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या थी, 105, कितनी क्लोजिंग थी, 31105, 31105। और इस वीक की क्लोजिंग क्या है, इंस्पाइट ऑफ ऊपर से नीचे आने के, 31475, यानी कि हायर क्लोजिंग हुआ, ठीक है, पिछले वीक से ऊपर हुआ क्लोज, तो कोई ख़राब नहीं है। और उसके पिछले वीक तो बहुत ही नीचे थे हम, 30628 पे, यानी ये भी दोनों वीक, दो वीक के पिछले दो वीक के ऊपर क्लोज किया, और ये तो ये कुछ ज़्यादा तेज है, निफ्टी से भी ज़्यादा तेज बैंक निफ्टी रहेगा। और मैं तेज़ी में हूँ मंडे से, भोलेनाथ की कृपा से, देखते हैं मार्केट क्या होगा, आपको बता रहा हूँ बस। और आज एस्ट्रोलॉजिकल कोई व्यू नहीं बनाता हूँ, बस इतना बता दिया आपको कि मार्केट तेज़ रहेगा। और एक SBI आपको बताता हूँ, जो मैंने पिछले एक या दो दिन पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, तो SBI की एक चाल आपको बता ही देता हूँ, ये मेरे लिए एक बुलिश सिग्नल का काम कर रहा है। ये आने वाले दिनों में SBI का जो स्टॉक है, SBI का आपको एक स्पेशल कर देता हूँ, आज SBI ने लो 366 का बनाया, कल इसने लो बनाया था 366.20, आज 366, लेकिन हाई आज नया बना दिया 373.60 का। तो SBI सबसे पहले इसको टेस्ट करेगा 300,
62 को, क्यों? और ये 359 तक आएगा मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ब्रेकआउट अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ 362, तो इसके नीचे शायद 359 तक का लो बना सकता है। ये जिस दिन यहाँ आ जाए आप बाई करिए, और मेरा टारगेट उसके बाद 400 रुपये का, 390 तो एटलीस्ट है, तो 360 के आसपास आपको बाई करना है SBI अगर आता है, और आप स्टॉप लॉस 352 का रख सकते हो, कितने का, और टारगेट रहेगा 390 इसी सीरीज में। तो बस दोस्तों हो गया रात के, अब कितने बज गए, वीडियो ख़त्म हो रहा है, 10:41 हो गए शायद, कितना हुआ भाई, 41 ही है ना, ये दिखाई कम देता आजकल क्योंकि वीडियो के लैपटॉप के सामने 16-17 घंटा रोज़ बिताता हूँ नेकेड आई से। तो SBI बाई करना 360 के आसपास आपको, और टारगेट रहेगा 390 प्लस, स्टॉप लॉस रहेगा 351, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है 352। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद दोस्तों। लाइक करना अगर मेरी मेहनत पसंद आए, और इतने बिंदास अंदाज में कोई नहीं बोलता होगा, खुलेआम आपको बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ यार, इंसान हूँ, रॉन्ग हो सकता हूँ, गालियाँ मत देना यार, क्योंकि मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ पैसे, तो आपको अपना व्यू दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और मेरी ग्रुप भी जो ट्रेनीज है, जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको इस ग्रुप में भी ऐड करता हूँ 3 महीने के लिए। अब 3 महीना हो गया, पहले 6 महीना बोलता था ना, अब याद रखिएगा 3 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रहोगे आप, ये ग्रुप है मेरी, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 महीना ऐड किया जाएगा, इसमें मेरे गुड मॉर्निंग पोस्ट, व्यूज़, कॉल्स जो भी है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा मेरी कोई कॉल सर्विस नहीं है दोस्तों, कोई कॉल वॉल की धंधा मैं नहीं करता हूँ, 5,000-10,000 महीना वाला। ये मैंने आज अपने इसमें लिखा था कि ऐसा मेंटर आपको 25,000 महीना भी दोगे तो भी नहीं मिलेगा, तो देखिए इसमें भी पब्लिक ने क्या लिखा है, आप देखिए, किसी को सिखा के तो लाया नहीं था मैं, अरे यार क्या लिखा वो आपको दिखा देता हूँ, हालांकि है मेरी तारीफ, फिर भी दिखाना चाहिए, कुछ जलने वाले तो फटाफट मेरे डिसलाइक मारेंगे ना यार, मेरे वीडियो को मैं देखता हूँ कभी भी लोड होता तो सीधे सीधे 10-5 डिसलाइक तो ऐसे ही मिल जाते हैं, सॉरी ये देखिए क्या लिख रहा है, सत प्रसिद्ध सर जी, यस डेफिनेटली, थैंक्स, यस नो डाउट, ग्रेट सर, मान गए गुरु जी, और ये सब जो है आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो आप पढ़ लो, पब्लिक बहुत प्यार करती है मुझे, दोस्त भी, तो मैं सबसे प्यार करता हूँ दोस्तों, और आप लोग से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए रात को भी वीडियो बना देता हूँ, जब मौका मिलता तब वीडियो बनाता हूँ, दिन में भी मार्केट चल रहा होता तो भी आपको बताता हूँ कि अभी ये करना है। तो अब आप लोग मेरी इतनी मदद करिए, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।